Assalamu alaikum. Welcome to IME's official YouTube channel and today I'm here to announce that admissions are again open. आपने हमारी Facebook में जाके post देख ली होगी कि that we have got very limited seats. आज मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से guideline दूंगा कि admission process क्या होगा और किस तरह ये हमने क्यों scholarship offer कर रहे हैं, किन को scholarship offer कर रहे हैं और फिर मैं generically दोबारा से एक दफ़ा उस audience के लिए जिनको नहीं पता कि ये course क्या है, मैं थोड़ा सा दोबारा से एक idea और brief दूंगा. सबसे पहले बात करते हैं कि इस course में है क्या. ये एक 147 इदारा एफिलिएटेड है. 147 इदारा वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ पे आप B1, B2 के एग्जामिनेशन दे सकते हैं. B1, B2 क्या होता है, हमारी ज़ुबान में इसको हम कहते हैं B1, B2. इसका टेक्निकल मतलब होता है कि आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर मैकेनिकल पार्ट में या एयरक्राफ्ट इंजीनियर एवियोनिक्स पार्ट में बन सकते हैं. अब इसके लिए 147 के बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जहाँ पे आपने 2 से 3 साल की अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी पड़ती है. 2 से 3 साल के अंदर 17 से 18 एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर MCQs होते हैं और ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आपने कवर करना पड़ता है. ये हो गया पॉइंट वन. पॉइंट टू होता है जहाँ पे आप फिर अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं. जैसे कि डॉक्टर के पास हाउस जॉब होती है, हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है. मैं आपको एक ऐसी अल्फाज बता रहा हूँ जो कि बहुत आम यूज़ होते हैं, तो ये हमारी फील्ड की हाउस जॉब होती है. वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास जहाज़ होते हैं, हम जहाज़ों को ठीक करते हैं और हम जहाज़ों का ऑपरेशन करते हैं टेक्निकली ज़ुबान में. जब आप जहाज़ों का ऑपरेशन करते हैं, उनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपके पास एक लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में नौकरी मिलेगी. तो हम इसको एंड पे दोबारा डिस्कस करेंगे फ्यूचर में नौकरी किस तरह मिलेगी. बाद में आपके पास 145 ऑर्गेनाइजेशन होती है. 145 ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको ये ऑपरेशन करने की फैसिलिटीज़ देती है. आपको जहाज़ देगी, आपको एक वर्कशॉप देगी जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. और एवरीबडी नोज दैट नाउ वी आर वर्किंग विद एयरलाइंस इन पाकिस्तान एंड एयरलाइंस इंटरनेशनली ऑल्सो. नाउ मलेशियन इज़ ऑन बोर्ड विद अस, हम मलेशियन एयरलाइन के साथ भी काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे वहाँ भी जा सकते हैं, ना कि छोटे जहाज़ों पर, बड़े जहाज़ों पर भी काम कर सकते हैं. सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, अब हम इंटरनेशनली भी ये विंग लेके चले गए हैं. अगली बात आती है कि इस कोर्स के बाद आपके साथ क्या होगा. देखिए, हर कोर्स के साथ कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. हर कोर्स के बाद आपकी जॉब की प्लेसमेंट होती है, तो हम एक और सर्विस लेके आए हैं, वो है जॉब प्लेसमेंट की. हम आपकी CV मार्केट के डायनेमिक्स और मार्केट के मुताबिक बनाएंगे ताकि आपको मार्केट में इंटरटेन किया जाए, मार्केट में आपको इज़्ज़त मिले, मार्केट में आपकी CV को इज़्ज़त मिले. ये हमारा सारा एक छोटा सा क्राइटेरिया है. एडमिशन्स ओपन हमने किया है और लिमिटेड सीट्स रखी हैं. इसकी वजह थी कि हम पिछली दफ़ा भी हमने क्वालिटी पर काम किया था और हमने बहुत ही बच्चे स्कैन करके लेके आए थे इस इंस्टीट्यूट में. इस दफ़ा भी हमने दोबारा से ऐसा प्रोसीजर किया है कि हम अपनी एंट्री टेस्ट होगा और एंट्री टेस्ट का लास्ट टाइम हमने रखा हुआ था 50%, इस दफ़ा हमने 68% रख दिए. एंड दोज ऑफ यू हु वांट्स टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, दे नीड टू स्कोर मिनिमम ऑफ मिनिमम 90%. स्कॉलरशिप में बहुत सिंपल सिनेरियो के आपको 4 से 5 लाख डायरेक्ट डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर दिस कोर्स. हमारा एज यू ऑल नो दैट वी हैव द न्यू कैंपस. हमारा फोकस है कि हम खाली उन लड़कों को या उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें, ना कि एकेडमिक्स में. इफ़ यू हैव प्लेड एनी स्पोर्ट्स इन नेशनल लेवल तक, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस, एनी बोर्ड गेम, एनी आउटडोर गेम, तो आप उसके थ्रू भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव गॉट अ वेराइटी नाउ न्यू कैंपस में, एज यू हैव सीन द पोस्ट ऑन फेसबुक, कि हमारे पास स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है, हमारे पास क्रिकेट की फैसिलिटीज़ भी हैं, टेबल टेनिस, आपके पास बास्केटबॉल अगर आप खेलते हैं, जिम है अगर आपको फिजिकली फिट रहना है. सो इट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी टू मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द नरिशमेंट, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो एकेडमिकली. तो ये एक मर्ज हमने सोचा था कि इसको करने का. एंड सून हमारी वो वीडियो भी रिलीज़ हम करेंगे जिसमें हम पूरा कैंपस शूट करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू नो कि कैंपस लाइफ भी कितना इफेक्ट करेगी आपकी एजुकेशन के अंदर. अब आखिरी बात जो मैं जाने से पहले कहना चाहता हूँ टू एवरीवन, मेरा आपसे एक वादा है, ये मैं वादा कभी मुकरूंगा नहीं, ना ही मैं इसे पीछे हटूंगा. आप मेरे पास आएँ और मैं आपको फ्री इन्फॉर्मेशन दूंगा, ना मैं आपसे प्रिस्पेक्टिस की फ़ीस लूंगा, ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन की फ़ीस लूंगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मेरा नंबर गिवन है यहाँ पे, आपने जब मुझे कॉल करनी है, आपने जौन से इदारे में जाना है, आपने जौन से मुल्क में जाके पढ़ाई करनी है अबाउट एविएशन, मैं बिल्कुल फ्री गाइड करूँगा, किसी से कोई पैसा नहीं लूँगा. सेकेंड चीज़,
किसी को भी स्किल क्लास लेनी है जिसमें उनको एमएस ऑफिस सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है, अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हमारी हर वेडनेसडे को 12 बजे से लेके 1 बजे तक क्लासेस होती हैं। अब क्योंकि कोविड है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो हम दोबारा रेगुलर हो जाएंगे। तो एनीवन हु वांट्स टू कम, आप इस क्लास में बैठना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे आप जहाँ मर्जी से आएँ। ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, या आप किसी इंस्टीट्यूट से हों या किसी यूनिवर्सिटी से हों, और आपको यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स हमें जमा करवाने पड़ेंगे जो कि फ्री ऑफ चार्ज होंगे, जिसके लिए हम कोई पैसे नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कोई और सवाल है, कोई और जवाब आपको चाहिए मेरे से, तो प्लीज़ आस्क मी मेरे कमेंट सेक्शन पे। आई हैव सीन के पीपल आस्क मी अबाउट एएमई कोर्सेज, यासा के बारे में पूछते हैं, एंड थैंक यू फॉर द रिस्पांस दैट यू आर ऑल गिविंग मी। आई विल मेक श्योर कि मैं सबके जवाब प्रॉपरली दूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेरी तरफ से, माजरत उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।